Please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. न्यूज एक्सप्रेस की विशेष पेशकश तीखे सवाल में आपका स्वागत है। मैं शाहरुख कयूम, आज हमारे साथ तीखे सवाल में बारी है वार्ड नंबर 141 के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बबलू उर्फ जमीर की, जो समाजवादी पार्टी से अधिकृत कैंडिडेट हैं बाय इलेक्शन वार्ड नंबर 141 से। समाजवादी पार्टी के मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 नगर सेवक है, वहीं छठे की आस में समाजवादी पार्टी फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरी है। बबलू जी, मैं आपका सबसे पहले न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करूँगा। शुक्रिया सर। बबलू जी, एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, 5 नगर सेवक है, क्या लगता है कि छठे की बारी आएगी? इंशाल्लाह, हम लोग जो मेहनत किए हैं यहाँ पे, मुझे तो उम्मीद है कि ये सीट इस बार समाजवादी को यहाँ की जनता जिता रही है। किस तरह से जिता रही है? अगर वार्ड नंबर 141 की बात करें तो ये एक जो बड़ा बेल्ट जो है नॉन मुस्लिम वोटर्स का कार जाता है और समाजवादी का कहीं ना कहीं एक मुस्लिम का टैग लगा हुआ है। पांचों जो नगर सेवक फिलहाल हैं वो मुस्लिम वोटर्स है और यहाँ से जो ये जो सीट थी वो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट विठल लोकरे की रही है। देखो, यहाँ की जो 141 की जनता है ना, यहाँ धर्म के नाम पर वोट देने वाली नहीं है, यहाँ विकास के नाम पे वोट देने वाली है। लोकरे जी यहाँ पे 18 साल से मौजूदा नगर सेवक थे यहाँ पे। मुझे एक काम उनका बताइए, बड़ा काम उन्होंने 18 सालों में कोई बड़ा काम यहाँ की आवाम के लिए किया हो? यही सवाल वो आपके एमएलए से पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू असीम आजमी ने कौन सा ऐसा कॉन्क्रीट काम किया है जब वो इलेक्शन में उनके सामने उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, आज फिर वो आपके सामने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसका जवाब तो आपको 24 तारीख को ही मिल गया होगा, जब अबू आसिम आजमी साहब जीत गए। जनता ने उनको इसलिए चुन के दिया कि उन्होंने दो टर्म इतना काम किए कि शिवाजी नगर पहले जैसा शिवाजी नगर नहीं रह गया। और बात रही 141 के अंदर, आप जाइए साटे नगर का जो अन्ना भाऊ साटे का रोड बन रहा है, ये अबू आसिम आजमी साहब की मेहनतों से और रईस भाई की कोशिशों से काम चालू हो गया है। सारे गली, कोई ऐसा जाकिर हुसैन नगर में गली नहीं, आप पब्लिक का इंटरव्यू लीजिए जाके कि किसने वो काम किया है। वो बंदा जाकिर हुसैन नगर साटिया नगर को छोड़ छोड़ के बोलता मैं फला जगह काम कर रहा हूँ, धमाका जगह काम कर रहा हूँ, कहाँ किया मुझे बताओ ना कि एक जगह उसका काम है। आज जब से अबू आसिम आजमी साहब जीत के आए हैं, मेरे वार्ड में 141 में कोई काम ऐसा नहीं जहाँ ना होता हो, बाथरूम से लेकर रोड से लेकर लाइट से लेकर हर काम है। और दूसरा काम जो विट्ठल लोकरे जी ने कहा कि नशा बहुत ज़्यादा शिवाजी नगर मानकुर में हो गया है, आपको पता है मैं आज 8 महीने से तो प्रॉपर इस वार्ड में मेहनत कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नशा बिकने वाला 141 में। और जिस दिन इंशाल्लाह 10 तारीख को मैं चुन के आऊँगा ना, तो सबसे पहले मैं नशा बंद कराऊँगा, जो फिलहाल अभी तो बंद हो रहा है। इंशाल्लाह आने के बाद जो पावर मिलेगा ना, खुलेआम हम लोग घर जाके जो बेचने वाले ना वो जेल के अंदर होंगे। बबलू जी, एक बार इससे पहले भी आप जेल गए थे, चूँकि आपने जेल की बात करी, SMS कंपनी को लेकर आप जेल में गए थे, तो क्या माना जाए कि एक सियासी स्टंट था? आने वाले वक्त में आपको चुनाव में खड़ा होना था, आप वहाँ पर जाकर आंदोलन करें, आपको जेल हुई? मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये मुझे जहाँ तक पता है कि आपको भी पता होगा कि मैं सियासत में अबू आसिम आजमी के लिए करता हूँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ, वो मेरे लिए गॉड फादर है। यानी जो अच्छी राह पे चलना किसी से सीखना है वो अबू आसिम आजमी साहब से जुड़ी है। मैं सपने में भी नहीं सोचा था मैं 141 से लड़ूंगा, कभी भी सोचा रहूँगा तो मैं अपने इलाके से जहाँ वो रहे। मगर आसिम भाई ने बताया कि इस वार्ड में हम लोगों को काम करना है और इस वार्ड में लोगों की बहुत तकलीफ़ है। जैसे आसिम भाई नहीं पहुंच पाते थे, वहाँ कार्यकर्ता बहुत कम लोग थे जो आसिम भाई से अटैच रहते थे, मगर जब से मैं आया हूँ हर छोटी सी बड़ी बात आसिम भाई सुनते और करते हैं वहाँ पे। बबलू जी, 18 कैंडिडेट टोटल, अगर इसकी बात करें 141 की, तो 18 कैंडिडेट है जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, हर कैंडिडेट अपनी दी का। बबलू जी, कितनी उम्मीद है कि आने वाली 9 तारीख को जो आवाम है 141 की, वो समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर आपको मुंबई महानगरपालिका में मिलेगी? इंशाल्लाह, मुझे 100% इस जनता पे उम्मीद है कि अबू आसिम आजमी, मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ अबू आसिम आजमी लड़ रहे हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हर समाजवादी पार्टी का वर्कर इलेक्शन लड़ रहा है। और मुझे 100% भरोसा इस जनता पे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है इस वार्ड में। हाँ, जैसे कॉलोनी है, टीचर कॉलोनी है, टाटा नगर है, 5 नल है, हम लोग वहाँ, हमारा MLA नहीं था जो हम अपना फंड वहाँ नहीं लगा सकते थे, मगर इंशाल्लाह जिस दिन चुन के आए ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे प्रोसीजर है जो काम के हैं, यहाँ की आवाम कहेगी कि क्या समाजवादी पार्टी ये काम होता है क्या। मैं बताऊंगा कि यहाँ काम किस तरह होता है। हमारे एक लीडर है रईस शेख साहब, जो आज मुंबई में ना उनकी पहचान जो काम के बदौलत है, और इंशाल्लाह वो हमको गाइडलाइन दे रहे हैं, बबलू ये काम करो बेटा, ये काम करो, और इंशाल्लाह वैसे ही मैं जो काम। लेकिन आपको नहीं लगता इस वार्ड के अंदर अगर गार्डनों की बदहाली की बात करें, हॉस्पिटलों की बदहाली की बात करें, एजुकेशन की जो स्कूल्स हैं उसकी बदहाली की बात करें, उसमें किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया,
क्या लगता है आप कितना लोगों को आश्वासित कर पाएंगे कि अगर लोग समाजवादी पे भरोसा करके अगर आपको चुनके देते हैं उन चीजों में फेरबदल हो? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 18 महीने में ये काम नहीं कर पाया, मैं उनसे 5 साल नहीं मांग रहा, मैं 18 महीने में नहीं कर पाया ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इस सीट से। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं 18 महीने के अंदर इस वार्ड को नहीं बदल दिया ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, अपने इस्तीफे का दावा कर रहे हैं आज न्यूज स्प्लैश के ऊपर कि 18 महीनों में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बबलू खान जो है वार्ड नंबर 141 की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे, वहीं बाकी जो 18 कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शिवसेना, बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आने वाली 9 तारीख इस बात का फैसला करेगी कि 141 की बाजी किसके पासे में जाती है। मैं शाहरुख कयूम, न्यूज स्प्लैश, मुंबई।